भारत की तीन सबसे सुपर फास्ट और सुपर एडवांस ट्रेन, इसमें पहले नंबर वाली ट्रेन तो बुलेट ट्रेन को भी टक्कर देती है। चलिए जानते हैं। सबसे तेज ट्रेन की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है गतिमान एक्सप्रेस, जो दिल्ली से झांसी के बीच में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम स्पीड से चलती है। गतिमान भारत की ऐसी ट्रेन है जो वंदे भारत से पहले सबसे फास्ट ट्रेन थी। दूसरे नंबर पर है भारत किसान वंदे भारत, जो एक नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे कई शहरों में शुरू की जा चुकी है। इसको सबसे पहले 2019 में 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया गया था, लेकिन अब वंदे भारत को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने की परमिशन दी जा चुकी है। देश की सबसे फास्ट ट्रेन या मेट्रो की बात करें तो वो है रैपिड रेल। आपको जानकर हैरानी होगी कि रैपिड रेल का ट्रायल भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से किया गया है, लेकिन मार्च में लॉन्च हो रही इस ट्रेन की स्पीड 180 से 200 तक होगी। आप कौन सी ट्रेन इंडिया में चलते हुए देखना